दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पीएसएल में बहुत बड़ी बेईमानी हुई है और ढंग से बेईमानी हुई है, लूटम लूट मची है। अगर हम इसे किसी भी तरह की श्रेणी में बेईमानी में गिने तो सब तरह की श्रेणी में बेईमानी में आता है दोस्तों। और बेईमानी तभी साबित हो जाती है जब ये कहा जाता है कि बांड के साथ साथ रसीदे देना है आपको, और सभी रसीदे देना है। जो रसीदे आप अपलोड करेंगे वो रसीदे धुंधली नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और जितनी रसीदे आप देंगे उतने का पैसा मिलेगा। तभी से बेईमानी होने लगती है दोस्तों। इनको ये नहीं पता कि रसीदे बेचारे निवेशक कहाँ जोगे कर रखेंगे, फट जाती है, गुम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उसमें प्रिंट अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। एक बैंक की कॉपी होती है उसमें प्रिंट होता है तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता, हल्के हल्के अक्षर रहते हैं उसके, फोटो कॉपी का वो स्पष्ट नहीं आती, और रसीदे तो एकदम बेकार थी दोस्तों। तो उनको ये मांगती है और वेरिफिकेशन इस कदर कर रही है, जांच इस कदर कर रही है जैसे कि 5,000 वाले अमाउंट का जो वेरिफिकेशन किया गया सारे के सारे गलती निकल गए, सही हो ही नहीं पाए, सब के सब गलती निकल गए। कुछ 2,77,000 निवेशकों को पैसा रिटर्न किया गया, वो भी रसीदों के आधार पर, जो रसीदें उन्हें स्पष्ट लगी, सही लगी, डाउनलोड जो फिलअप किया गया है, फार्म भरे गए हैं उसमें जो रसीदें उन्हें अच्छी लगी, समझ में आया, उन रसीदों का पैसा दिया, उनमें से भी काट दिया दोस्तों। ये इनका मकसद क्या है दोस्तों? इनका मकसद ये है जो 60,000 करोड़ देनदारी मूलधन की बात जो आ रही थी, ये केवल 3-4 हजार करोड़ में निपटाने का सिस्टम इन्होंने बना लिया है मिलजुल कर। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें पीएसएल का मैनेजमेंट, सेबी, लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सब आपस में मिल करके इस सिस्टम को चला रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं रसीदों को लागू कर दो। ये रसीदें अनुमन जो है लोगों के पास रसीदें कहाँ रहेंगे ही नहीं, बार बार निकाल देते थे, बता देते थे कि अपने कागजातों को सुरक्षित जगह कर रखें, किसी को देना नहीं। तो दोस्तों ये तो पक्की बात है, रसीदें सभी किसी के पास रहती नहीं है। एक एक रसीदों को साइट पर लोड करना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर कोई किसी तरह लोड भी करवा देता है तो ये सीबी वाले जांच के दौरान रिजेक्ट कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एजेंट पीएसएल में पैसा जमा करवाता था तो उस समय जब लेने की बात आती थी पैसा, तो उसमें आईडी वेरिफिकेशन ठीक से जो कर्मचारी वहां काम करते थे वो फोटो नहीं है, दूसरे का फोटो लगा दिए चल गया, एड्रेस सही नहीं है तब भी चल गया, ये नहीं कहते थे कि आगे चल के मैच्योरिटी में दिक्कत होगी। इस बेस को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, सेबी ने, लोढ़ा कमेटी ने या मैनेजमेंट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि इस बेस पर भी चिंता करने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार से जांच की जाएगी तो पीएसएल का पेमेंट किसी को मिल ही नहीं पाएगा, वो तो 3-4 हजार करोड़ में ही निपट जाएगा, बाकी पैसा सेबी, लोढ़ा कमेटी, मैनेजमेंट, सारे सिस्टम मिलकर खा जाएंगे। ये सिस्टम उनका था, ये था दोस्तों। आगे हम बताएंगे अब क्या हुआ है, इसको बताने से पहले दोस्तों हम चाहेंगे जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलते रहे, और सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन 5,000 का जब बताया उन्होंने, 2,77,000 निवेशकों का पैसा हमने रिटर्न कर दिया, उससे पहले से भी द जियो न्यूज पीएसएल मैटर एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला है, उसने भी कुछ लोगों ने जो कि पैसा दिलाने के लिए संघर्षरत हैं सही तरीके से,
सही तरीके से पैसा दिलाने के लिए पैसे पीएसएल के निवेशकों के लिए संघर्षरत हैं, और उनके मेहनत संघर्ष के कारण जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा, आज उनको भी बोलना पड़ा जो बेईमानी की सारी हदें पार कर गए थे और इस प्रकार के मैच्योरिटी के लिए सिस्टम बना करके आदेश रूप में सुप्रीम कोर्ट से आ गया, आज वो भी बोल रहे हैं। जैसे मनदीप काजला ने क्या कहा, मनदीप काजला ने कहा कि सभी जमीनें सस्ते दामों में ना बेची जाएं और महंगे दामों में बेची जाएं, क्योंकि कृषि योग्य जमीन डेवलपमेंट हो गई है इतने समय में और अच्छी से अच्छी कीमत में जाना चाहिए ताकि प्रत्येक निवेशक का पैसा मिल जाए, अब ये बोल रहे हैं। और इसी प्रकार के कुछ बयान जो है सुनंदा कदम के भी हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, दोस्तों ये उन लोगों के मेहनत का नतीजा है जो इस प्रकार के बयान आए हैं। इससे पहले क्या इनको पता नहीं था कि किस प्रकार से जमीनें बिक रही हैं और कितना जमीन सेबी के और लोढ़ा कमेटी के अंडर में है। आज भी चेत जाएं और इन लोगों से निवेदन है सभी लोगों का पैसा दिलाएं। आज भी द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर लीगल कार्रवाई कर रहा है जिसके चलते बेमानों की फट रही है और सुप्रीम कोर्ट में लीगल कार्रवाई के चलते अब कदम अच्छी तरीके से उठेगा दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है। और प्रत्येक निवेशक का पैसा मिलना चाहिए, वो भी ब्याज के साथ दोस्तों ब्याज के साथ मिलना चाहिए। अगर ब्याज के साथ नहीं मिलता है तो अभी बहुत बड़ी धोखा होगी। और सर्वप्रथम एक बात के लिए बहुत जोर देना चाहिए, वो ये बात कि 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 के डेटों में जो कलेक्शन हुआ है उसका सेबी ने भी कह दिया है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। जो पहले का डाटा है उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है, प्रत्येक निवेशक का कितना पैसा जमा है, कितना सेबी के पास है या नहीं है, ये भी निवेशकों को पता नहीं है। तो पहली रिक्वेस्ट है कि सभी निवेशकों का अपने साइट पर बेकायदे एक एक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा जमा है लोग जान पाए, इसकी व्यवस्था की करा जाए। जहां रजिस्ट्रेशन के नंबर के डालने के बाद पता चले या पूरी पीडीएफ फाइल हो, लोग उस पीडीएफ फाइल को देख करके ये पता कर सकें कि हमारा इतना पैसा है, थोड़ा सुकून तो हो कि हाँ इतना पैसा है, इतना कंपनी देगी। और ये जो व्यवस्था की गई है, हम चाहते हैं और हमारे निवेशक चाहते हैं, पीएसएल के एजेंट और निवेशक सभी लोग यही चाहते हैं कि जो रसीदों के बात की जाती है, रसीदों के हिसाब से पैसा देने की बात की जाती है, इसे वापस लें। इस प्रकार से पैसा हम लोगों को नहीं चाहिए, रसीदों के हिसाब से पैसा नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, जो गलत तरीके से गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत सब कुछ होते हुए पैसा निवेश हुआ है और आज मैचिंग करा करके पैसा देने की बात जो होती है ये गलत है। इस प्रकार से सेबी का फायदा होगा, लोढ़ा कमेटी का फायदा होगा और मैनेजमेंट का फायदा होगा और निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, ये स्पष्ट है दोस्तों। क्योंकि अगर वो मैचिंग कराएंगे, किसी ने साइन किया है या पैसा जमा करते समय उस समय औंठा लगा दिया, आज फार्म भरते समय साइन कर दिया, क्योंकि औंठा किसने लगाया, अंगूठा लगाया कि साइन किया, ये पता निवेशक को भी नहीं है। फार्म भरवाते समय दोस्तों, जब पीएसएल में जमा पैसा हुआ तब साइन किया है कि अंगूठा लगाया है, इसका भी ध्यान किसी को नहीं है कि ये कि एजेंट ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। आज उस मैचिंग को मैच करके पैसा देने की बात अगर आएगी दोस्तों, तब भी लोग पैसा नहीं पाएंगे दोस्तों, कई कारणों से लोगों का पैसा फंस जाएगा। मेरी अपील यही है कि या तो पीएसएल अपने तरीके से खुद पैसा देती, और या तो अगर सेबी के माध्यम से कमेटी बनकर दे रही है तो उस बात का ध्यान रखकर पैसा दे ताकि सभी लोगों का पैसा मिल जाए दोस्तों, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। जितना सेबी जितना रिकॉर्ड में है सेबी के पास, लोढ़ा कमेटी के पास, उस रिकॉर्ड के हिसाब से सभी निवेशकों का पैसा वापस करे, निवेशक यही चाहते हैं। और
देने से पहले अगर आपकी साइट दोबारा चालू होती है तो सीबी वालों से कहना चाहते हैं, लोढ़ा कमेटी वाले से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कर्मचारी हैं। और फिलहाल वीडियो जाती ही होगी, देखते ही होंगे, लेकिन बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इसे सार्वजनिक कराया जाए, इसे पोर्टल पर जितने निवेशक है प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा सेबी के पास है इसका ओपनिंग किया जाए, और रसीदों की जो मांग है रसीदों की मांग ना हो, रसीदों की मांग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर रसीदों की मांग होती है तो यह सरासर बेमानी है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहता हूं, द जियो न्यूज पीएसएल मैटर ने जिस तरीके से तैयारी करके लोगों को तैयार कर रहा है और लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहा है, वही पैसा दिलाने के सिस्टम में अग्रणी है, इस बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल वही हैं, और भी हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमने जो फार्म फिलअप किया है 5,000, 2,500, 2,000, 3,000, मतलब 5,000 से नीचे वाले का जब बार बार लोग यही कहते हैं, चैनल पे भी बताया जाता है कि पैसा चालू हो गया, और सेबी के जो पोर्टल है उस पर भी बताया जाता है पैसा देना स्टार्ट हो गया, और इतने लोगों को पैसा हम दे चुके। जब सेबी इस बात को कहती है तब हमने अपने चैनल पे देखा कि लोग बार बार यही पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने 5,000 का जो आवेदन किया था सही फार्म भरा था, फिर भी पैसा हमारा नहीं आया। इसी पर बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे आज आते हैं दोस्तों अपने न्यूज पर। राजेश मौर्या और आप दोस्तों, बहुत से लोगों ने बताया हमने फार्म अच्छी तरीके से फिलअप करवाया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है, जैसा उसमें बताया गया था फार्म भरने के लिए उसी प्रकार फार्म भरा था, कोई गलती नहीं की थी। हमारे स्पष्ट बॉन्ड जो बॉन्ड की कॉपी थी उसको स्पष्ट बढ़िया अच्छी तरीके से डाउनलोड किया था और सारे अक्षर उसमें दिख रहे थे और आप लोगों की भी दोस्तों, और जो रसीदें थी हमने अच्छी तरह से अपलोड किया है, किसी प्रकार की उसमें गलती नहीं की, बताए हुए नियम का फॉलो किया था और अच्छी तरीके से फार्म फिलअप किया, फिर भी हमारा पैसा नहीं आया ऐसा लोगों ने बताया। फिर भी सेबी ये बता रही है, यह हाँ मतलब कि ये कहकर हाँ झिड़क रही है कि हमने इतने लोगों को पैसा दे दिया, अब जो बचे हैं 5,000 से नीचे वाले वही लोग बचे हैं जिनमें त्रुटियां हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि सारे के सारे फार्म 5,000 से नीचे वाले गलत हो गए, सभी फार्म गलत हो गए, शंका उठती है दोस्तों ऐसा नहीं हुआ होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे फार्म गलत नहीं हुए हैं, जानबूझकर से भी पैसा नहीं दे रही है। एसएल के बारे में आपको डेली मिलती रहेगी, जैसा कि हम खुद चैनल चलाते हैं और हमने भी फार्म फिलअप किए थे, बहुत सारे फार्म फिलअप करवाए और किए भी, और उसमें से बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं। सच में मान लीजिए कि हमारे सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, उसमें बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं, जो अपने हाथ से किया है वो अच्छी तरीके से सही सही फार्म फिलअप किया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है दोस्तों। हाँ सही में बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं और सेबी पैसा नहीं भेज रही, झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, और उसने पैसे नहीं भेजे हैं जो सही फार्म है भरे हुए हैं, फिर भी उनके पैसे नहीं भेजे हैं, ये झूठ बोल रही है दोस्तों। कि अगर उसने मेरे को दोस्तों बाइक लेने गया, अगर इसे सही से काम करना होता तो हम तो रिक्वेस्ट बार बार अपने चैनल पर करते हैं
और सेबी वाले से कहना भी चाहते हैं कि ये सेबी वाले आप लोग जो सेबी के अधिकारी अगर हमारा वीडियो देखें तो हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसी प्रकार जो सारी रसीदों की मांग करते हैं, पहला नंबर तो रसीदें ना मांगे, केवल वो मांगे बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो केवल बांड मांगे और बांड के साथ साथ जो बैंक अकाउंट मांग लें और आधार कार्ड मतलब कि कंपलसरी पैन कार्ड को कंपलसरी ना करके जो है कि आधार कार्ड मांगे, पहचान पत्र मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, इस प्रकार के ऑप्शनल करके के मांग लें और सारे लोगों को पैसा दे दें। लेकिन सेबी इतनी धड़ल्ले से बेमानी पे उतर आई है, ये जो है कि पैसा नहीं देना चाहती, इस नाते सारे ऑप्शन लगा रही है और सारी बारीकी से कागजों को वेरिफिकेशन में लगी हुई है और जरा सा मिस्टेक होने पर पैसा नहीं दे। अगर इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार पीएसएल को पैसा देना होता सरल तरीका, फिर इस प्रकार से सेबी दे रही है, करना चाहिए। अगर इसी प्रकार से पीएसएल को देना होता तो ये 2014-15 में ही दे चुकी होती, पास सारे डाटा अवेलेबल, जिस प्रकार से सेबी दे रही है हम लोगों को पैसा, इस प्रकार से पीएसएल को अगर देना होता तो बहुत पहले पैसा दे चुकी होती। ये जो 60,000 करोड़ का मामला जो फंस रहा है, ये मुश्किल से 1,000 ही करोड़ में निपटा देती कोई कंपनी हो, नाम आप लोग खुद बताइए। तो दोस्तों बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बेईमानी करेगी तो ये बहुत कम ही पैसे में लोगों को निपटारा कर देगी और यहाँ ये कहकर हाथ झिड़क देगी कि हमने सभी लोगों को जो लीगल लोग थे जो जिसके नाम सही पाए गए जिसके मतलब कि सब कागजात मुहैया कराए सेबी को और अच्छी तरीके से प्रमाणित हो वेरिफिकेशन हो चुका है और सही पाए गए, हम उन लोगों को पैसा दे दिया और बाकी वो लोग हैं जिनका पीएस में पैसा जमा ही नहीं है, वो अपन सही कागज नहीं दे पाए इसलिए हमने उनको पैसा नहीं दिया, ऐसा कहेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों बात ये उठना चाहिए चाहे संसद के माध्यम से चाहे किसी भी तरीके से, क्या आवेदन करते हमारा पैसा पूरा मिलना चाहिए, इस नाते मिलना चाहिए। अगर हमारा पैसा पैसे के देने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट को इस तरह वेरिफिकेशन किया जाएगा और क्योंकि लेते समय हमारे कागज बहुत गलत तरीके से वहाँ पर डाले गए थे, उल्टा सीधा एजेंटों ने नाम डाल दिया, उल्टा सीधा फोटो लगा दिया और उल्टा सीधा मतलब सब काम उल्टा सीधा हुआ है। दोस्तों पैसा लेते समय पीएसएल जब पैसा लेती थी अगर उनके पास एजेंट के पास फोटो भी नहीं था तब वो पीएसएल पैसा ले लेती थी, जरूरत होती है क्या, नाम गलत होता था तब भी वो पैसा ले लेती थी, आईडी में नाम कुछ दूसरा है और फॉर्म जमा करते समय जब पीएसएल में हमने पैसा जमा करवाया तब की बात करते हैं दोस्तों, जनता के पास कुछ गलत है तब भी पीएसएल पैसा ले लेती थी। जनता के इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाया था संसद में कि पीएसएल गलत तरीके से पैसा वसूल करती तो देते समय इतनी बारीकी से जांच होगी तो किसी को पैसा मिल ही नहीं पाएगा, सारा पैसा सेबी के पास बचा रहेगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा किसी भी तरीके से उठे तब ये उठना चाहिए, बहुत बारीकी के साथ उठना चाहिए कि हम लोगों का पैसा गलत तरीके से गलत फॉर्म फिलअप करके सारे पैसे गलत नाम से गलत मतलब कि एड्रेस प्रूफ से जमा होते रहे हैं तो और जब देने की बारी आई इतनी बारीकी से जांच होगी तो किसी को पैसा मिल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरत है दोस्तों कि जो फॉर्म फिलअप गए हैं इतनी बारीकी से जाँच न हो और इतने डॉक्यूमेंट ना मांगे जाएं, इतने रसीदें ना मांगी जाएं और केवल बांड से और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड और ऑप्शनल करके आधार कार्ड इसी प्रकार करके आप कागज मांगे, जब दोबारा पोर्टल खुले तो इसी प्रकार कागज मांगे, हमारा यही रिक्वेस्ट है सेबी से दोस्तों चैनल के माध्यम से और लोगों का भी यही कहना है। दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा दोस्तों, इनकी औकात दिखाने के लिए दोस्तों हम बार बार ही अपील करते हैं उन लोगों से जो प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर जो पीएसएल का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को बताया था अगेनिस्ट हैं, 3 तारीख को काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस बात को उठाते क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है और
सार्वजनिक करें, प्रत्येक एप्लीकेशन जिनके पास बांड है उसका जो है कि पारदर्शिता दिखाए से भी अपने साइट पर कि प्रत्येक एप्लीकेशन प्रत्येक बांड जो लोगों के पास जमा है सभी बांड का ओपिनियन करे कि हाँ इस एप्लीकेशन का इतना पैसा ये है सेवी के पास, इस एप्लीकेशन का इतना पैसा सेवी के पास है, तो इस प्रकार करना चाहिए। लोगों के पास कितनी रसीदें हैं कितनी नहीं है इस बात को गौर क्यों कर रही है, क्या सेवी के पास डाटा नहीं है, अगर डाटा नहीं है तो इसका भी स्पष्टीकरण दे कि हमारे पास पीएसएल का कोई डाटा नहीं है, जिस आधार पर पीएसएल के लोग हमें रसीदें मुहैया कराएंगे वो सही तरीके से फॉर्म फिलअप करके देंगे तभी हम पैसा देंगे, अन्यथा हम पैसा नहीं देंगे। दोस्तों इस प्रकार से बेईमानी करेगी अगर वो बार बार कह रहे लोगों ने गलत फॉर्म फिलअप किया, ये करना पाए इसलिए हम पैसा नहीं देते। दोस्तों हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सेबी से, लोड़ा कमेटी से, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी फॉर्म फिलअप करने की बारी आए तो पोर्टल पे ना करवाए तो कुछ ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट हों नेट चलाने में, कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हों, ऐसे लोग जो गलतियां ना करें, ऐसे चुनिंदा लोगों को या तो तैयार करके जगह जगह गांव तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों